सकते हैं कि वायरलेस माइक की आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो कुछ इसके बॉक्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है। प्लग एंड प्ले है, 20 मीटर ऑफ एक्सीलेंसी है, ठीक है, और हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस रखो, मेड इन चाइना। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स जो है ये हमें देखने को मिलता है। और ये वाला वेरिएंट जो है ये सी टाइप का है, आईफोन फॉर सी टाइप एंड आईफोन, ठीक है। तो चलिए आइए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पे कुछ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें अगर हम ये निकालते हैं तो ये एक सी टाइप का जैक है। इसके साथ एक इन्होंने आईफोन का जैक दिया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है ये सी टाइप के अंदर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, जिस ऐसे करके। और साथ हमें देखने को मिलता है एक अदद कॉलर माइक। माइक कुछ अच्छा लग रहा है और इसकी चार्जिंग भी जो है वो सी टाइप के ऊपर ही है। और बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मेरे ख्याल एक केबल होगी इसके अंदर, चार्जिंग केबल, एक सी टाइप जो है वो हमें चार्जिंग केबल जो है इसके अंदर मिलती है। तो चलिए आइए इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी मैं एक बोया का माइक है पहले, उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले वो यूज़ कर रहा हूँ वॉइस रिकॉर्ड के लिए। अब फिर इसके वॉइस रिकॉर्ड की चेक करके आपको दिखाता हूँ। Few moments later. तो चलिए आइए अब इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास मोबाइल है, MI का सेट है, और इसके अंदर जो है ऑप्शन है सी टाइप की। तो इसकी जो ये डोंगल है, ये इसका जो ब्रॉडकास्टर बोल सकते हैं इसको, तो इसको आपने सेट जो है उसके साथ लगाना है। तो ये मैंने ऑन कर दिया। और ये माइक जो है, माइक की बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑन का बटन मिलेगा। आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये डिवाइस जो है ये ऑन। ये देखिए अभी ये ग्रीन हो गई है, इसका मतलब है कि ये माइक जो है ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको अनपेयर कर देता हूँ उसके साथ, तो ये लाइट जो है ये ब्लिंक करना शुरू हो गया कंटिन्यूसली, रेड और ग्रीन के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं थोड़ी सी लाइट कम करूँ तो शायद आप जो है वो बेटर तौर पे ये लाइट जो है रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अगर मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये स्टेबल हो गई, इसका मतलब है कि ये पेयर हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। जो वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड होगी वो इसी माइक के साथ रिकॉर्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।